तीन साल हो गए अभी तक पेंशन नहीं लगी है हमारा जाए। अपने आप घोषणा करते हैं और अपने आप कर सकते हैं। आतंकवाद वो बोलता है कि मैं कल ही एमरजेंसी में अंदर रहूँ। हिमाचल की जयराम सरकार एक बार फिर सुर्खियों में है। अपनों से मुंह मोड़ना और घोषणाएं कर उन पर अमल न करना, ये वजह है सरकार के खिलाफत की। ये खिलाफत हम नहीं कर रहे बल्कि भाजपा से ही संबंधित नेता और लोग कर रहे हैं। दरअसल जयराम ठाकुर ने एक घोषणा की थी। इस घोषणा में इमरजेंसी के दौरान जेल में रहे लोगों को लोकतंत्र प्रहरी का सम्मान दिया जाना था, साथ ही साथ सरकार ने उन्हें सम्मान राशि पेंशन के तौर पर देने की घोषणा भी की थी। इसके बाद बाकायदा लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना का ऐलान भी किया गया, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे उम्मीद लगाए बैठे लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इमरजेंसी के दौरान धर्मशाला के दिव्यांग राजेंद्र अग्रवाल और राजू भाई क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। जयराम ठाकुर ने, मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी 3 साल पहले, जो इमरजेंसी में अंदर गए हैं उनको पेंशन दी जाएगी 12,000 रुपये महीने के हिसाब से। 3 साल हो गए अभी तक पेंशन नहीं लगी है 12,000। हम भी एक मांगने नहीं गए थे, शांता कुमार गए, जो भी थे समंदर लेके आए थे। इस पार्टी में जनसंघ के टाइम में हम लोग, मेरे पिताजी भी जेल में लेके आए, हम दोनों पियो अंदर थे। शांता कुमार तो बोलता है कि मैं कल ही इमरजेंसी में अंदर रहूँ, हम लोग भी अंदर लेके आए। प्रवीण शर्मा, सुनील मोचा, कमल पादार, केश भारती, इतने 300-400 आदमी हिमाचल के अंदर हुए थे। औरों में तो काम है, मेरी रोटी रोटी चलती दुकान की वो भी बंद पड़ी है लॉकडाउन में, जो भी है कोरोना होया, ठीक है ना। लेकिन चीज़ है कि मैं रेडी जाता था, लोग कहने लगे जो मेरी करते थे 12,000 रुपये महीना मिल जाएगा, मियाँ मिल जाएगा, गुजारा हो जाएगा। आज की डेट में मेरी घरवाली मंजे पर आए और चल नहीं सकती, रोटी बड़ी मिल के समझाती है। तो हमने तो कभी एक मांगी नहीं थी जयराम ठाकुर से, ये हमको जो है 12,000 रुपये वो मिलना दो। अपने आप घोषणा करते हैं और अपने आप कर सकते हैं। अब जब तक तो इनकी बात नहीं मानते, मैं 4 महीने अंदर आ रहा। 4 महीने? हाँ, 12 कांगड़ी जिला कांगड़ी 12 फाइलें हैं। सुनील मलोचा, प्रवीण शर्मा कमेटी के मेम्बर हैं, फाइलें जमा है। मुझको चिट्ठी ये आई उनका जवाब, नहीं तो RTI में, RTI आई। हमें फिर दोबारा कल RTI भेजी है कि कम मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी है, हम जनसंघ में कुर्बानी नहीं देते। मैं स्कूल कॉलेज में गया नहीं, बचपन में जनसंघ के टाइम पे ही मैंने झंडा उठाया है। जब दीवा होता है जनसंघ के टाइम का, मैं आज का नहीं पार्टी जुड़ा हूँ। और हैंडीकेप तो है नहीं कि वो NDA सर्टिफिकेट भी है कि मुझे छाया बेकून आया हुआ है। आगे वो तो कागज नहीं है, मेरे पास पूरी फाइल पड़ी है जेल की। पड़ी है जेल आपके पास फाइल? हाँ, जो FIR हुई जहाँ पे, जेल में तो रिकॉर्ड भी नहीं है, जेल में किसी का रिकॉर्ड नहीं है। अबे जो मनोचे मनोचे बेकून आ रहे हैं मुझको। यहाँ तक राजेंद्र अग्रवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ कहा कि वे कोई सुनवाई नहीं करते, ऐसा लगता है कि वे सिर्फ अकेले ही इमरजेंसी में जेल में रहे हैं। आलम यह है कि राजेंद्र अग्रवाल पार्टी छोड़ने के गगार पर हैं। उनकी घरेलू हालत ठीक नहीं है, जिसके चलते उन्हें इस पेंशन से कुछ उम्मीदें बची हैं। वहीं सारे वाक्य को जानने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि ए हिमाचल की सरकार, तुम झुलस न जाना अपनों के अंगारों से, इमरजेंसी वालों ने अलार्मिंग और वार्निंग दे दी है। मृत्युंजय पुरी, समाचार फर्स्ट। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।